अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे और सारे रोज़े रख रहे होंगे। आज हमारा 20वां रोज़ा है और इसी तरीके से हमारा दूसरा अशरा आज खत्म हो जाएगा और कल से हमारा आखिरी अशरा रह जाएगा। तो ठीक है, फिर सहरी गर्म करते हैं और खाते हैं। सबसे पहले मैंने चूल्हे पर रखा पैन और उसमें डाला चिकन चंगेजी और चिकन चंगेजी को गर्म किया, साथ में मैंने रुमाली रोटी भी गर्म की। तो मेरी आज की सहरी तैयार हो गई है, चलिए जल्दी जल्दी सहरी को खाते हैं। मैंने जल्दी जल्दी सहरी को खाया और सहरी खाने में उतनी टेस्टी थी नहीं, नॉर्मल थी। सहरी के बाद हर रोज़ की तरह मैं आ गया अपनी बालकनी में टहलने के लिए और थोड़ी देर बालकनी में टहलने के बाद मैंने वेट किया अज़ान की आवाज़ का। और जैसे ही अज़ान की आवाज़ आई मैंने अदा की अपनी नमाज। नमाज के बाद मैंने फिर सलाम और सलाम के बाद मैंने दुआ मांगी अपने लिए, परिवार के लिए और तमाम आलम के लिए। आज संडे था, मुझे ऑफिस नहीं जाना था, मुझे आज जामा मस्जिद इफ्तारी के लिए जाना था, तो मैं सो गया। सुबह उठ के मैं निकल गया गाज़ियाबाद जूते खरीदने के लिए। सबसे पहले मैंने सानू भाई को पिक किया उनके घर से और उसके बाद हम निकल गए मार्केट में जूते खरीदने के लिए। आज गर्मी बहुत थी, बहुत तेज़ धूप थी, तो मार्केट में हमारी हालत ख़राब हो गई। उसके बाद मैंने जूते खरीदे और जूते खरीद के मैं निकल गया घर की तरफ। वहाँ से सीधा चला गया मेट्रो, वैशाली मेट्रो स्टेशन पहुँच के मैं सीधा गया मेट्रो प्लेटफॉर्म पर। जैसे ही मेट्रो आई मैं मेट्रो में जाकर बैठ गया और निकल गया जामा मस्जिद की तरफ। जामा मस्जिद पर जाके देखा आज बहुत भीड़ थी क्योंकि आज संडे था, दिन में चोर बाजार लगता है, बहुत लोग आते हैं शॉपिंग करने और ऊपर से रमज़ान भी चल रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा भीड़ थी। आप देख सकते हैं किस कदर भीड़ है। उसके बाद लोगों का धक्का खाते हुए मैंने सीधा जामा मस्जिद के अंदर एंट्री की और मैं अपनी इफ्तारी की जगह पहुंच गया। आप वीडियो में देख सकते हैं किस कदर भीड़ है, मतलब लोगों ने खड़े होकर इफ्तारी की है। हमने अपनी इफ्तारी सेट करके फैमिली के साथ वेट किया अजान का और थोड़ी ही देर में अजान हो गई। अजान के बाद हमने इफ्तार किया और उसके बाद मैंने जामा मस्जिद के अंदर जाके पढ़ी मगरिब की नमाज। और जामा मस्जिद से निकलते निकलते हम लोगों को हो गया था इशा का वक्त और अभी भी आप देख सकते हैं किस कदर यहाँ पर भीड़ है। भीड़ बाहर से निकलते हुए हम पहुँच गए सीधा खाने वाली गली में और यहाँ भी बहुत ज़्यादा भीड़ थी, पर यहाँ का नज़ारा और ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था, बहुत ज़्यादा रौनक लग रही थी। आप वीडियो में देख सकते हैं किस तरीके का नज़ारा है। फिर यहाँ हमने एक रेस्टोरेंट में जाके खाया खाना, खाना खाकर हम सीधा चल दिए घर की तरफ और अभी भी आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा भीड़ है। रास्ते में हमने देखे बच्चों के कपड़े, वहाँ से हमने लिए बच्चों के लिए कुछ कुर्ते पजामे और फिर हम यहाँ से निकल गए आगे की तरफ। फिर हमने रास्ते में दुकान से ली कुछ फैनी और सेवैयाँ, फैनी सेवैयाँ लेके हम निकल के आगे की तरफ। गली से बाहर आकर हमको दिखा आइसक्रीम का ठेला और यहाँ पे हमने ली एक एक आइसक्रीम और आइसक्रीम लेकर खाई और चल दिए घर की तरफ। और फिर हम लोग मीना बाजार की गलियों से होते हुए चल दिए घर की तरफ। तो आप देख सकते हैं रात के ऑलमोस्ट 10 बज चुके हैं और किस कदर यहाँ पे अभी भी भीड़ है। ये है मोहब्बत का शरबत। जामा मस्जिद से निकल के हमने लिया ऑटो, ऑटो पकड़कर हम आ गए घर और इस तरीके से आज का हमारा दिन पूरा कंप्लीट हो गया है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।